तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक अपडेट आई है, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को लेकर बड़ी खबर आई। सरकार अड़ी और कोर्ट भी पीछे नहीं हट रहा। जी दोस्तों, एक खबर आपको मैं दिखा देता हूँ कि पूरी क्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए की घोषणा, हम जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, युवाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसकी रोजर वकालत करेंगे। सरकार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंगों की अपनी नीति को लागू करने पर अड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से जल्द निर्णय होगा। मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है वो बोल रहे हैं। दैनिक सवेरा ने पूछा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसका इंतज़ार करेंगे तो क्या तब तक भर्ती रुकी रहेगी, ये भर्तियां चलेंगी कैसे? इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया, देखिए इसके लिए हम अदालत में फाइल कर रहे हैं और जल्द ही उसका निर्णय आएगा। हमारा यह भी उसी के अंदर है कि जो बच्चे इस प्रक्रिया के तहत नहीं आए हैं उन सबको भर्ती के अंदर लेंगे। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से बात को लेकर दुष्प्रचार कर रही है, कि जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, कोई खिलवाड़ नहीं है। मैं यह बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। दैनिक सवेरा ने पूछा, आपने जो 50,000 और भर्तियों की बात कही है, क्या वे ये पहले से चल रही भर्तियों से अलग है? इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया, हाँ 50,000 अतिरिक्त हैं, ये 50,000 की भर्तियाँ हम करेंगे, कुछ दिनों के भीतर ही हो जाएंगी। वे इस पर सारी प्रक्रिया चली है, सारी की सारी युवाओं को सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। अब आज तक के इतिहास के अंदर किसी भी सरकार ने यह सम्मान नहीं दिया है। हिम्मत सिंह जी उस विश्वास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं के लिए जो पारदर्शी नीति है उसे आगे जारी रखेंगे हिम्मत सिंह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारी सरकार ने युवाओं के लिए जो पारदर्शी नीति बना रखी है उस मुझे उम्मीद है कि हिम्मत सिंह उसे आगे जारी रखेंगे। आज सरकार के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास सरकार की नीतियों पर बढ़ा है, आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियाँ मिल रही है, इस बात को आगे बढ़ाने में हिम्मत सिंह उन युवाओं को अपेक्षा पर खड़ा उतरना, यानी यहाँ पर तो सिर्फ जो नए चेयरमैन उनकी हौसला बुझाई की है। और जो मेन खबर है वो ये है कि दोस्तों, सरकार कोर्ट में जाएगी और जो आपके 5 अंकों को लेकर उस पर फैसला, मतलब जो फैसला आया है उस पर कड़ा विरोध सरकार ने किया है। और यहाँ पर बताया भी यही गया है कि जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, युवाओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए तो पुरजोर वकालत करेंगे। तो बड़ी खबर है ये, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जुड़े हैं चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।